नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। सुभाष चौक पर हुआ रागरी कार्यक्रम। विश्व एड्स दिवस पर आम जन को किया गया जागरूक। एड्स के प्रति जागरूकता की थीम पर किया गया इस कार्यक्रम का आयोजन जिला पुलिस एवं स्थानीय प्रशासन द्वारा आयोजित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन काफी संख्या में शहर के युवा स्कूली बच्चे भी शामिल हुए। वहीं नशे के खिलाफ विभिन्न प्रस्तुतियों के माध्यम से दिया गया संदेश। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी लगाया गया जागरूकता शिविर। पल पल सिरसा से अमर सिंह जानी की विशेष रिपोर्ट। जिला पुलिस व स्थानीय प्रशासन द्वारा आज शहर के बीचों बीच स्थित सुभाष चौक पर राहगिरी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राहगिरी कार्यक्रम का आयोजन सुबह 7 बजे से लेकर के 9 बजे तक आयोजित रहा। आज के इस राहगिरी कार्यक्रम में मुख्य उद्देश्य विश्व एड्स दिवस पर लोगों को एड्स जैसी घातक बीमारी के प्रति जागरूक करना था। वहीं राहगिरी कार्यक्रम के माध्यम से शहर के युवाओं सहित विभिन्न शिक्षण संस्थानों के बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। विद्यार्थियों द्वारा एक जागरूकता दौड़ का भी आयोजन किया गया जो सुभाष चौक सिरसा से शुरू होकर के भगत सिंह चौक, परशुराम चौक व आर्य समाज रोड पर तथा सदर बाजार होते हुए वापस सुभाष चौक पहुंची। वहीं राहगिरी कार्यक्रम के मुख्य संयोजक DSP राजेश कुमार ने बताया कि राहगिरी कार्यक्रम के माध्यम से आम जन को नशे से और नशे जैसी बुराई के खिलाफ एक जागरूक किया गया है। उन्होंने बताया कि आज विश्व एड्स दिवस है, इसलिए आज के राहगिरी कार्यक्रम में इसी थीम पर आयोजित किया गया ताकि युवाओं को एड्स के प्रति जागरूक किया जा सके। उन्होंने कहा कि राहगिरी कार्यक्रम का आयोजन इसीलिए भी किया गया है ताकि पुलिस और आमजन के बीच में संबंधों को और अधिक मजबूत बनाया जा सके। कार्यक्रम में रोजमर्रा की भागदौड़ व तनावपूर्ण जिंदगी से निजात पाने के लिए मनोरंजन कार्यक्रम के माध्यम से पुलिस व जनता के बीच में विचार साझा करने का ये एक खास अवसर होता है। आप देख रहे हैं पल पल की विशेष रिपोर्ट। जैसा कि आपको पता है, महीने में 2 बार राहगिरी का आयोजन सिरसा में पहले और तीसरे संडे को किया जाता है। आज भी राहगिरी का आयोजन है और आज का जो थीम है, क्योंकि आज विश्व एड्स दिवस है, तो एड्स के प्रति अवेयरनेस के लिए लोगों में जागृति आए और पूरा सिविल हॉस्पिटल की तरफ से जो एड्स का जो डिपार्टमेंट है, अवेयरनेस के जो उनके जो भी अधिकारी हैं वो सब आए हुए हैं। हरियाणा पुलिस के जवान और स्कूल से बहुत सारे बच्चे आज आए हुए हैं, हजारों की संख्या में, और ये कैप्स भी आज बांटी गई हैं हरियाणा पुलिस की तरफ से ताकि लोगों में अवेयरनेस हो। दरअसल पुलिस और पब्लिक का जो गैप है वो पहले से बहुत अब ख़त्म हो गया। जो आज 1947 में जो सिचुएशन थी वो अब पिछले 1-2 साल 3-5 साल में जो सरकार के जो इनिशिएटिव्स हैं वो बहुत काम किए हैं और लोग अब जिस तरह से पुलिस से जो बढ़ा के रखते थे, अब इन्फॉर्मेशन भी आ रही है। आप देख रहे होंगे कि चिट्ठे के प्रति जो मुकदमे जो हमने दर्ज किए हैं अभी पीछे, जो NDPS एक्ट के जितनी बढ़ोतरी हुई है उसका सारा श्रेय पुलिस प्रशासन के साथ साथ पब्लिक को ज़्यादा जाता है कि लोग अब बिना हिचक के इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। तो उसी का एक पार्ट है ये भी कि राहगिरी में भी लोग आते हैं, इंटरेक्शन होती है, मिलते हैं सब ट्रैफिक पुलिस से, क्राइम ब्रांच और सभी थानों से भी आज लोग आए हुए हैं। विश्व एड्स दिवस यूनाइटेड नेशन के जितने भी मेंबर है विश्व के अंदर, वो सभी आज के दिन सम्मिलित होकर एक साथ मनाते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक किया जा सके, कम्युनिकेशन बढ़ा सके, अवेयरनेस कर सके। इसके अलावा ये बीमारी खास तौर पे युवाओं में होती है, इसलिए सिरसा प्रशासन और खास तौर पे हमारे सिविल सर्जन के दिशा निर्देश के अनुसार हमने आज राहगिरी प्रोग्राम के अंतर्गत विश्व एड्स दिवस मनाया है। तो ये पता होना चाहिए कि भारत के अंदर सबसे पहले एड्स का रोगी चेन्नई के अंदर 1981 में मिला था, लेकिन अगर हम हरियाणा की बात करें तो 1989 में हरियाणा में रोहतक के आसपास ये पहला रोगी मिला था। जिला प्रशासन और सिविल सर्जन के आदेशानुसार यहाँ पे आज एक कैंप लगाया है। हमने लोगों को ये फैसिलिटी दी है कि वो ICTC सेंटर में आए जहाँ पे मुफ्त एड्स का इलाज होता है। एड्स का इलाज, वैसे तो एड्स का पूर्ण तरह से कोई क्योर नहीं है, लेकिन हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन कंट्रोल करने से पहले हम टेस्ट करवाते हैं और ये टेस्ट बिल्कुल फ्री में होता है।
हमारे सिरसा जिले के अंदर हमने 5 जगहों पे ये फैसिलिटी बिल्कुल फ्री में उपलब्ध करवाई हुई है। सभी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पे, जिसको हम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कहते हैं, उनमें कोई भी आ सकता है। वहाँ ICTC सेंटर चलता है, वहाँ पे हमारा एक लेबोरेटरी टेक्नीशियन होता है। उसके अलावा हम जो प्रेग्नेंट लेडी है, जो हमारी गर्भवती स्त्रियां हैं, उनका भी हम टेस्ट कराते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा समय पे और जल्दी से जल्दी समय पे हम गर्भ के अंदर जो बच्चा पल रहा है उसको बचा सकें। हम यही प्रचार कर रहे हैं। आज के कार्यक्रम का भी यही उद्देश्य है। जिला प्रशासन और खासतौर पे पुलिस प्रशासन की तरफ से जो रायगिरी का कार्यक्रम चलाया गया है, वो निश्चित तौर पर एक बहुत ही गुड और बहुत ही अच्छा प्रयास है। और इसके लिए हरियाणा सरकार भी और भारत सरकार भी और खास तौर पे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी बधाई के पात्र हैं।